आज की क्लास में बच्चों हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास थर्ड साइंस का चैप्टर नंबर 3 परवेशीय पेड़ पौधे। परवेशीय पेड़ पौधे का आज का हमारा टॉपिक है पेड़ पौधों की देखभाल। ठीक है, पेड़ पौधों की देखभाल बच्चों हम कैसे करेंगे आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे, कैसे पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए कुछ मेन मेन पॉइंट्स हैं, पहले हम उसको जान लेते हैं थोड़ा सा। जैसे है, फर्स्ट है पौधारोपण, सेकंड है प्रकाश, थर्ड है पौधों को समय से जल देना, फोर्थ है अतिरिक्त घासों को निकालना और फिफ्थ है उर्वरक डालना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा क्या है, पौधारोपण। पौधारोपण का मतलब है पौधे को लगाना, क्योंकि किसी पौधे की देखभाल हम तभी करेंगे जब हम उसकी पहले रोपाई करेंगे, मतलब उसको लगाएंगे। अगर हम किसी पौधे को लगाते हैं तो हमें उसकी नियमित देखभाल करनी चाहिए। यदि हम उसकी देखभाल नहीं करेंगे तो क्या होगा कि पौधा जो है वो सूख जाएगा। ठीक है, तो पौधारोपण हमने किया, उसके बाद क्या जरूरी है, उसमें प्रतिदिन उसमें जल डालना चाहिए। जल की कमी से पौधे क्या होते हैं, सूख जाते हैं, इसलिए जरूरी है कि उसमें प्रतिदिन जल डाला जाए। उसके बाद जो है प्रकाश की आवश्यकता होती है पेड़ पौधों को। जैसे कुछ पौधे हैं जो बिना प्रकाश के भी रहते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अधिकतर पौधे ऐसे हैं जो बिना प्रकाश के सूख जाएंगे, क्योंकि बिना प्रकाश के सूखने का रीज़न ये है कि उसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं हो पाती है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया सिर्फ प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है, उसके लिए उसमें धूप का लगना बहुत ज़रूरी है। तो पौधों को समय समय से प्रकाश में रखना, मान लीजिए आपने गमले में पौधे लगाए हैं, ठीक है, तो गमले को आप छाया में ना रख के उसको प्रकाश में रखिए। अगर प्रकाश में नहीं रहेगा पौधा तो उसमें जो है धूप नहीं लग पाएगी, धूप नहीं लगेगी तो उसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होगी और पौधा जो है वो सूख जाएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की क्रिया में ही पत्तियां पौधे के लिए भोजन बनाती हैं। जरूरी नहीं है कि जो गमले में मिट्टी है, मिट्टी में हमने पानी डाल दिया, उसमें उर्वरक डाल दिया और पौधे का ग्रोथ हो गया, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए प्रकाश की भी उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी की उनके लिए पानी और उर्वरक की होती है ना। तो इसीलिए बच्चों उसको समय समय से धूप में रखना चाहिए गमले को, और उसमें पानी समय से डालना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि अतिरिक्त घासों को निकालना। जैसे कोई पौधा हमने गमले में लगाया है तो उसके अगल बगल और भी कई सारी घास फूस निकल आते हैं, उसको समय समय से साफ करते रहना चाहिए। उसकी जो सूखी पत्तियां झड़ती हैं, गिरती हैं, तो उसको हमें टाइम से हटाते रहना चाहिए, उससे भी पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है, क्योंकि अदर पेड़ जो होते हैं वो उसकी ग्रोथ को कम कर देते हैं। और उसके बाद है बच्चों उर्वरक डालना। उर्वरक जो है पौधे की ग्रोथ अच्छी करता है, क्योंकि उससे उसको क्या मिलता है, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मिलता है। जब हम उर्वरक कोई डालते हैं तो उससे अतिरिक्त पोषण उसको मिलता है, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मीन्स अतिरिक्त पोषण। ठीक है, उससे पौधे की ग्रोथ जो है अच्छी होती है, उसका विकास अच्छा होता है। तो ये सारे पॉइंट्स है बच्चों जिसका ध्यान रख कर हम पेड़ पौधों की उचित देखभाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जब भी पौधे लगाएं तो उसकी उचित देखभाल करें, जिससे कि पौधा हरा भरा स्वस्थ बना रहे। ठीक है, आज के लिए हमारा टॉपिक था पेड़ पौधों की देखभाल। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट।